क्या है कि ज्यादातर लोग इसको रद्दी में डाल देते हैं, और रद्दी में क्यों ना डालें, कारण है कि हमारी आवाज वहीं तक सीमित रहती है। जब हमको चोट लगती है, जैसे बच्चे को भूख लगती है ना, तो क्या करता है, रोने लगता है। अब कष्ट है, हमेशा करना होता है। तो जानते हैं कि अब किस समाज के लोग हैं, ये वंचित समाज के लोग हैं, दबे कुचले हैं। आज ये थोड़ा सा चिल्लाएंगे, फिर ये दो चार नेता आए हुए हैं, और फिर इसको फिर लिपा पोती करके खत्म, जैसे लिपा पोती वर्तमान में हो रही है। और उनके यहाँ पास लोग इकट्ठा हुए हैं, हमारे ही बीच के लोग कुछ लोग हैं, तो उनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि अपने आकाओं को जाकर अभी बता दीजिए, ये चिंगारी यहाँ पास से आज लग गई है। अन्याय अन्याय की बात करने वाले हम लोग तैयार हो चुके हैं, अगर आज नहीं बताए तो इससे बड़ी ताकत आपको दिखाने वाले हैं हम लोग कि ये पासी जाग चुका है। और ये पासी ही नहीं, अब ये पासी के साथ हर समाज के लोग आगे आ गए, क्योंकि हम लोग अपनी जानकारी न्याय अन्याय जानने लगे हैं। और जानने लगे इसलिए हैं क्योंकि हमको पहले मौका नहीं दिया जाता था। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के तहत बाबा साहब के वजह से आज हम लोग यहाँ पर बोलना बतलाना जान गए हैं, और हक और अधिकार लेकर रहेंगे। अभी आज जैसे मैंने कहा है कि एक बाबा की फांसी से या किसी प्रकार से हत्या हो जाती है, वो लोग क्या करते हैं, ये जो है थोड़ा दूसरा रूप ले लेते हैं, फिर उसको कहते हैं ये बेगुनाह, फिर उसके साथियों को मोबाइल कॉल से पकड़ना शुरू कर देते हैं, फिर क्या होता है, फिर बेगुनाह दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के एक छोटा सा सीधी सी बात कि भैया हम लोगों को सीबीआई जांच दे दो, अगर नहीं दोगे तो आज हम 10 दिख रहे हैं, तो 10 के बाद अगर ये हजारों की संख्या आ गई ना, तो आपको कुर्सी तो छोड़ दीजिए, आपकी नौकरी चाट डालेंगे और ये सत्ता बदल जाएंगे। इसी के साथ अगर मैंने किसी प्रकार के अपने समाज का हत्याकांड की सीबीआई जांच हो।